प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत, इसी इमोशन पर बेस्ड हैं हमारी सारी एंटरटेनमेंट की कहानियाँ। प्यार सब कुछ है, प्यार जिंदगी है, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, प्यार दोस्ती है। तो चलिए फिर आज इस वैलेंटाइंस डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं हमारी और आपकी दोस्ती, दिखाकर आपको ये स्पेशल स्टोरी। श्रीजिता और माइकल की रोमांटिक डेट। भाई ये तो है रियल वाली जोड़ी। वैलेंटाइंस डे है और ऐसे में आज श्रीजिता के फियांसे माइकल ने उनके लिए प्लान की है रोमांटिक डेट और श्रीजिता काफी फूडी है और माइकल का ये प्लान उन्हें काफी पसंद आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक डेट की, जहां आज ये दोनों एक दूसरे के प्यार में और भी ज्यादा डूब जाने वाले हैं। वैलेंटाइंस डे है और श्रीजिता और माइकल हमारे साथ है कुछ स्पेशल प्लान्स के साथ स्पेशल जगह पे। तो श्रीजिता क्या प्लान किया है माइकल? माइकल ने स्पेशल प्लान यही किया है कि डेट नाइट पे चलेंगे, क्योंकि रोज़ी ज़िंदगी में हो नहीं पाता है ना, यू आर बिजी विथ शूट या कुछ ना कुछ काम से, ही हैज़ ऑल्सो वर्क, तो ऐसे स्पेशल डेट नाइट ऐसे प्लान करके होता नहीं है। सो फाइनली इट्स वैलेंटाइंस डे, सो ही हैज़ प्लान्ड अ स्पेशल डेट डिनर नाइट। Correct. Yeah, so it's, she was very busy, so finally we have some time to spend some time together and looking forward for the day and yeah. क्या लग रहा है, क्या क्या खास होने वाला है? मुझे तो लगी है बहुत तेज़ी से भूख और मुझे खाने का बहुत शौक है, जैसे कि मैं बहुत बार ऑडियंस को पहले भी बता चुकी हूँ, आई लव ईटिंग एंड इवन माइकल इज़ क्वाइट फूडी, ही लाइक्स टू ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ कुजींस। तो आज शायद कुछ रोमांटिक टॉक्स होंगे और उसके साथ नाइस रोमांटिक कुजीन होगा। रोमांटिक डेट पर रोमांटिक बातें भी हो जाए और जान ली जाए श्रीजिता और माइकल की लव स्टोरी, कि ये कैसे और कहां मिले और कैसे शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी। और इसी के साथ एक गेम भी खेलेंगे, जहां पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीजिता दे और मेरे साथ है मेरे फियांसे माइकल ब्लॉम पापे। तो हम शुरू करते हैं कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। तो ये चल रहा है फेब्रुअरी का महीना, मतलब रोमांटिक मंथ, तो क्यों ना हम भी अपने कुछ रोमांटिक कहानी आपसे शेयर करें। तो हम पहली बार कहाँ मिले थे, वेयर डिड वी मीट फर्स्ट? इन मुंबई अराउंड 4.5 इयर्स बैक एंड वी मेट इन अ बार एंड या स्टार्टेड टॉकिंग। इट वाज एक्चुअली अ रेस्टोरेंट बार, नॉट दैट। Actually, it's a restaurant. Okay. Yeah. So, where did we meet first time? So, first time we met in a restaurant. And तो इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग कितना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, how foodie we are. Very much. So, I think it makes sense that we met in a restaurant actually, because we are both very foodie people. So, that's where we bumped into each other the first time. And yeah, started talking. So it's actually food, मतलब पेट से हमारी प्यार की कहानी की शुरुआत हुई है। तो हम एक रेस्टोरेंट में थे, मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ थी, आई वाज विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, और ये अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ थे और नज़दीकी टेबल था हमारा। आई वाज कॉन्स्टेंटली लाइक शेयरिंग लुक्स विद हिम हाइडिंगली, तो ऐसे चुपके चुपके, जिसको कहते हैं चुपके चुपके चोरी चोरी देखना, तो वैसे लुक एक्सचेंज बहुत देर तक चालू था। एंड देन आई वॉक्ड अप टू अनदर टेबल, जहाँ पे मुझे लगा कि ये भी आएंगे। Yes, yeah. By coincidence. By coincidence, we bumped into each other, not coincidence. Yeah, it was kind of. मतलब मैंने ऐसे कुछ तो इशारे इनको दिया, जो इनको भी पता चला कि इन्होंने भी मुझे कुछ इशारे दिए, तो हम एक टेबल की तरफ चल के गए दोनों साथ में, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। फिर या जो होता है दैट वी एक्सचेंज नंबर्स, एंड वहाँ से पेट से खाने से प्यार की कहानी की शुरुआत हो गई। So we are such foodie people, so yeah, the so whole story got from stomach to heart. Oh, no, it's true. तो इसीलिए आज जो है, आज फूड के साथ ही ये सेलिब्रेशन बनता है, और मुझे डिफरेंट कुजींस ट्राई करना बहुत पसंद है, इसलिए माइकल मुझे आज जर्मन कुजीन, यस यस, आई लव जर्मन कुजीन, तो इसीलिए आज मुझे माइकल गोमा में लेके आया है। इट्स वेरी लाइक फॉर पैन एशियन, इट्स रियली रियली गुड, रियली फेमस प्लेस, एंड आई लव द फूड हियर। वी केम हियर वंस बिफोर,
thank you so much for bringing me. Of course. So I think we came here once like a year back or something, like when it started. And it was great food, so we thought it's the perfect place to celebrate Valentine's Day today. Abhi hum ek chota sa game khelenge. I'll ask few questions to Michael. Okay. Shoot. So mujhe ye puchna hai, I want to ask you that when I was in Big Boss house, how much did you miss me? Did you actually miss me or did you not miss me at all? Be honest. What do you think? I think he... Did you miss me? I missed you a lot, baby. Okay. That everybody knows. And I think he missed me, but not really much. What? Kya hota hai na, ladko ka? No, no, to be fair, like the first time you went inside, I really missed you because I didn't know for how long it is. It was a new situation for me or for both of us, right? So when you... like, or the first 2 weeks were... like, I missed you a lot. The second time you went inside, I already knew what's going to happen. And you kept me very busy with a lot of work. So you didn't give me much time to miss you. But of course. But now I come to the point. Did you miss me? Of course. How much? Every day. A lot. But then I knew somehow that I'm already prepared for the second time that you go inside. And I know that's something that you want to do. And it's good for you. So I accepted that. And but yeah, I missed you a lot. So according to Michael, Michael का यही कहना है कि पहली दफ़ा जब मैं गई थी तब काफ़ी मिस किया उन्होंने क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं थे उस सिचुएशन से पर दूसरी दफ़ा मैं जब गई तो दूसरी दफ़ा जब मैं गई तो उन्होंने मुझे थोड़ा कम मिस किया आई थिंक ही डिडंट मिस मी मच एट ऑल क्योंकि घर 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 में जो आज़ादी इनको मिल गया था ना दैट इंडिपेंडेंस यू गॉट ही जस्ट लव्ड इट क्योंकि किचन कैसे भी रहे श्रीजिता चिल्लाएगी नहीं हाँ फ्रिज कैसे भी रहे श्रीजिता चिल्लाएगी नहीं प्ले स्टेशन में बहुत देर तक मैं गेम खेलूँ तो श्रीजिता चिल्लाएगी नहीं कि मुझे नेटफ्लिक्स देखना है मुझे बिग बॉस देखना है व्हाटएवर तो Yeah, that time he watched every day because he had to follow what I'm doing in the house. तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा miss किया उन्होंने पर कह रहे हैं कि miss किया तो चलो मान लेते miss किया है. Now you have to do one thing. Either you have to do something which I tell you, or you have to tell the truth about something which I'm asking. Pick one. I can even tell the truth because I only say truth, and. I can even do something. Okay, let me do something for you. Okay, what can you do? You can... Okay, you're always saying that you're very romantic. So you can maybe sing some song in Hindi. For me. Because it's a special day. Hindi song. Have you... Like, you haven't let me hear Hindi songs for four years. Matlab Hindi gaane mein, Bollywood gaane mein bhool rahi hu. I have to think romantic Hindi songs. क्योंकि गाने नहीं सुनने देता है हिंदी लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले मीन्स कम हग मी बिकॉज We don't know that this night would ever come back or not. We will ever meet again in the... Baby, I'm explaining you. तो भाई ढेर सारी मीठी मीठी बातें करने के बाद अब बारी है यमी यमी खाना खाने की क्योंकि दिल का रास्ता पेट से होकर ही तो गुजरता है हो चुकी है खूब सारी बातें हंसी मजाक मस्ती गाना सब कुछ अब देखते हैं स्पेशल डेट के लिए माइकल ने क्या खाने का इंतजाम किया है तो देखते हैं अरे इट ऑलरेडी स्टार्टेड जब तक हमारा खाना आ रहा है क्यों ना हम एक राउंड गोमा का मान लेते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड रेस्टोरेंट तो हम एक छोटा सा राउंड मान लेते हैं सबसे पहले मुझे पता है कि माइकल को जाना है खाने की तरफ कि वहाँ पे लाइव काउंटर में क्या क्या हो रहा है Thank you.
फोटो सेशंस और वीडियोस काफ़ी सारा हो गया है आजकल. हमारे साथ यही होता है, कहीं पे भी हम जाते हैं सोशल मीडिया के लिए शुरू हो जाते हैं वीडियोस क्लिक करना. तो अभी फाइनली लेट्स स्टार्ट ईटिंग. चिलीज़, इतने सारे चिलीज़ देखे क्योंकि डिशेस बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट नाइसली दे आर स्पाइसी. और इतने सारे चिलीज़ देखे मुझे यही याद आ रहा है कि स्टार्ट में हम जब मिले थे तो मुझे पता था कि माइकल ज़्यादा स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खा पाता है, और मैं जानबूझ के उसके खाने पे ज़्यादा चिलीज़ डालती थी. When we met, जानबूझ के उसके खाने में ज़्यादा चिलीज़ डालती थी और खा के एकदम से ही यूज़ टू टर्न रेड, और आँख वगैरह से लाइक इज आई स्टार्टेड वाटरिंग एंड यूज़ टू टर्न रेड. और वो मुझे बोलता था, तूने जानबूझ के ये किया ना, जानबूझ के ये चिलीज़ डाला. इट्स लाइक हॉट. या आई डेफिनेटली कुक वेरी स्पाइसी फूड. आई डेफिनेटली डू दैट. मुझे पता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं बहुत स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ. बट नाउ आई फील आफ्टर 4 years, हाँ, इसका भी स्पाइस टॉलरेंस अभी बढ़ चुका है. खाना इतना 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 ज़्यादा अच्छा था कि मैंने तो शायद बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया. मुझे काउच से उठा भी नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया. एटलीस्ट 2-3 kg वेट बढ़ भी गया होगा. थैंक यू सो मच बेबी, द फूड वॉज सो अमेजिंग. थैंक यू, आई लव्ड इट. एंड इफ माई टमी इज हैप्पी देन आई एम हैप्पी. या आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू, लवली अरेंजमेंट. Honestly, बहुत अच्छा खाना था. तो सब प्लीज़ गोमा आइए और पैन एशियन ट्राई कीजिए. सी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू. तो भाई ये कपल है काफी रोमांटिक. हम यही कहेंगे कि इनकी जोड़ी यूं ही बनी रहे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आपको पता ही है, सास बहू और पेटियां.